फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ाया जाता था, तब अक्सर मैं यही सोचा करता था कि कौन था वो जिसने सबसे पहले इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, किसमें रही होगी इतनी हिम्मत जो सबसे पहले इनका विरोध कर सके। तब मैंने देखी मंगल पांडे की ये मूवी। इस मूवी को देखने के बाद मेरी मंगल पांडे के प्रति जिज्ञासा और बढ़ी और मैंने उनके बारे में कई किताबें भी पढ़ी। जब आप अपने देश की रक्षा करते हैं तो धर्म स्वयं सुरक्षित हो जाता है। देश की शान था मंगल, देश का असली इतिहास था मंगल, अंग्रेजों की नींव हिला दी जिसने ऐसा असली फौलाद था मंगल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की। मात्र 20 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में एक सिपाही के रूप में भर्ती किए गए थे। 1856 में भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए पैटर्न 1853 इनफील्ड मस्केट जो कि एक नई राइफल थी लाई गई। इस राइफल को लोड करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का इस्तेमाल करना पड़ता था। सैनिकों को इस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। मंगल पांडे जो कि एक हिंदू ब्राह्मण थे, इन्होंने उसका डटकर विरोध करा। उनका यह कहना था किसी भी धर्म में गौ मांस खाना एक पाप है और यदि आप हिंदू हैं तो ये आप पर एक कलंक भी। मंगल पांडे ने इसका सिर्फ विरोध ही नहीं करा, इन्होंने उन ब्रिटिशर्स पर हमला भी कर दिया। उन और दो ब्रिटिशर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वो जानते थे ब्रिटिशर्स पे हमले का मतलब अपनी मौत का वारंट खुद निकलवाना। इसके बावजूद मारो फिरंगी को नारे के साथ उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। बाद में रंगून बटालियन को आता देख उन्होंने आत्मसम्मान पर खुद में ही गोली चला दी और एज अ कॉन्सिक्वेंस वो अरेस्ट कर लिए गए। अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। सहम गई धरती सारी जब उसने संग्राम किया, बलिया के उस लाल ने जब अकेले उन पर वार किया। अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने जो विद्रोह की चिंगारी जलाई है वो देश भर में क्रांति ला सकती है। उनकी यही चिंगारी देश की आजादी का मूल बीज साबित हुई। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहिब जैसे वीर सामने आए और बगावत का हिस्सा बने। मंगल पांडे भारतवर्ष के माथे पर लगा हुआ वो रक्त तिलक है जो बलिदान होकर भी हमें अमर होना सिखाता है। मंगल पांडे ने जिस तरह देशवासियों में क्रांति की चिंगारी जलाई, उसी प्रकार हमें आज युवा पीढ़ी में वही चिंगारी जलानी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानसिक गुलामी की। हमारे देश को गरीबी भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है, उसी प्रकार युवा पीढ़ी को नशे ने, नशा जैसे वेप, शराब, ड्रग्स, इन सब को खत्म करना होगा। मैं भारत माता का सपूत आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ, मानसिक रूप से कुंद हो चुकी युवा पीढ़ी का दिमाग फिर से जगाऊंगा और देश को अत्याचार मुक्त बनाऊंगा। इस इंकलाब को खून की जरूरत है और उसे मेरा होने दो। दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरा अभिमान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।